हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आकाश, आप देख रहे हो गार्डनिंग लव ज्योतिका यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे हम लोग तुलसी जी के पौधे को किस तरीके से लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग को तुलसी जी के लिए मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है, जिससे कि हम लोग का तुलसी जी का पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से हरा भरा रहे, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहे। मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम लोग को मिट्टी तैयार करनी, कैसे पौधे को लगाना, कौन कौन सी केयर करनी, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना, एक बार ज़रूर शेयर करना ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और अगर आप हम लोग के चैनल पर पहली बार है तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमेशा की तरह मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन, आप लोग ये तुलसी जी का पौधा देख रहे होंगे तो नीचे मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि रामा तुलसी जी का पौधा या श्यामा तुलसी जी का पौधा, तो सभी लोग नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग का तुलसी जी के पौधे को लगाने के लिए मिट्टी की बात करना चाहूँगा, क्योंकि जितनी अच्छी मिट्टी में हम लोग अपने तुलसी जी के पौधे को लगाएंगे उतने अच्छे से हम लोग के तुलसी जी ग्रोथ करेंगी। तो मैं आप लोग को दिखाऊं, ये देखिए मैंने 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल लिए, देखिए जो बगीचे की मिट्टी होती है मैंने पुराने गमले की मिट्टी ले ली है, 30% मैंने कंपोस्ट लिए है, वर्मी कंपोस्ट मैंने लिया है। ये देखिए आप लोग गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट या घर पर बनाई हुई कंपोस्ट, आपके पास जो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि वर्मी कंपोस्ट कहाँ मिलेगी, भाई कोई ज़रूरी नहीं, आप मैंने वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करी तो आप वर्मी कंपोस्ट लो, आप लोग गाय का गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने इसमें 20% सैंड मिलाई है। ये देखिए बालू जो घर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, बालू हम लोग इसमें इसलिए मिला रहे क्योंकि मिट्टी वेल ड्रेन रहेगी, इसमें पानी बिल्कुल रुकेगा नहीं, आराम से पानी निकलता रहेगा। अगर तुलसी जी के पौधे में पानी रुकने लगता है तो फिर उसकी पत्तियाँ गिरने लगती हैं और पौधा ख़राब होने लगता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को अच्छे से मिलाना होगा। इसमें हम लोगों ने किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर या किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, पूरी तरह ऑर्गेनिक चीज़ें हम लोगों ने ली है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जल्दी से मिला लेते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से आपस में मिला लिया। इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग को तुलसी जी के पौधों को कितने बड़े गमले में लगाना चाहिए। तो ये देखिए मैंने 10 इंच का मिट्टी का गमला लिया है। हम लोग को कोशिश ये करनी होती है कि हम लोग मिट्टी का गमला ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि मिट्टी का गमला इस्तेमाल करने से जो पौधे की जड़ होती है वो ठंडी रहती है। तो हम लोगों को ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग अपने सभी पौधे को मिट्टी के गमले में लगाएं, उससे पौधे ग्रोथ और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो ये देखिए मैंने 10 इंच का मिट्टी का गमला ले लिया है, इसमें हम लोग अपने तुलसी जी के पौधे को लगाएंगे। तुलसी जी के पौधा बहुत ही आसानी से, एक पौधा 10 इंच के गमले में ग्रोथ कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बेस पे आप लोग देख रहे होंगे मैंने काफ़ी सारे इसमें ड्रेनेज होल कर लिए हैं, क्योंकि इसमें पानी निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि पहले ही मैंने आप लोग को बताया, अगर मिट्टी में पानी रुकेगा तुलसी जी की पत्तियाँ गिरेंगी। तो इन होल्स को कवर करने के लिए हम लोग ये छोटे छोटे स्टोन्स का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे स्टोन से ये होल्स कवर कर देंगे, इससे इनमें मिट्टी की वजह से ये ब्लॉकेज नहीं हो पाएगा और छेद हम लोग के जो होंगे ये बंद नहीं होंगे। तो जल्दी से इस पर हम लोग अच्छे से एकदम स्टोन से कवर कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से नीचे जो हम लोगों ने छेद के इसको स्टोन से कवर कर देना। अब इसके बाद हम लोगों ने जो मिट्टी तैयार करी, इस मिट्टी को हम लोगों को इस गमले में भरना होगा। तो ये देखिए मैंने इसमें लगभग आधे के आसपास मिट्टी भर ली। अब इसमें हम लोग अपने तुलसी जी का पौधा लगाएंगे। मैं दिखाऊँ, ये देखिए मैंने तुलसी जी के पौधे को सीड से ग्रो किया हुआ है। तो ये देखिए मैंने तुलसी जी के पौधे को सीड से ग्रो किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही हेल्दी हम लोगों का पौधा ग्रो करा। और भी बहुत सारे पौधे मैंने तुलसी जी के सीड से ग्रो किए हैं। बीज से तुलसी जी का पौधा हम लोगों को किस तरीके से ग्रो करना है, इसके ऊपर मैंने पूरा पर्टिकुलर डिटेल वीडियो बनाया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो, यहाँ पर साइड में आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो पे आप लोग क्लिक करिए, डायरेक्ट आप लोग उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे। आप लोग भी अपने तुलसी जी के पौधे को सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो अब हम लोग को इस पौधे को बहुत ही सावधानी से निकालना होगा। तो ये देखिए हम लोगों ने अपने तुलसी जी का पौधा निकाल लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल रूट्स को बिना डैमेज करे हम लोगों ने निकाला है। अब हम लोग को अपने पौधे को इसमें लगाना होगा। मैंने आधे गमले के लगभग मिट्टी फिल करी थी, अब हम लोग को इसको पौधे को इस तरीके से लगा के पूरी अच्छे से मिट्टी को फिल कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग अपने पौधे को लगाना, तुलसी जी को लगाना। अब इसके बाद तुरंत हम लोगों को इसमें पानी डालना होगा, क्योंकि हम लोगों ने तुलसी जी के पौधे को रूट्स को डैमेज कर दिया था थोड़ा सा, यानी मिट्टी से दूसरी मिट्टी से निकाल के दूसरी जगह लगा दे तो पौधा थोड़ा सा डाउन होने लगेगा। तो फौरन हम लोगों को इसमें तुलसी जी को पानी देना होगा, और अपने पौधे को कम से कम एक हफ्ते के लिए ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ इसके ऊपर, तुलसी जी के ऊपर डायरेक्ट धूप न लगे। एक हफ्ते में हम लोग का तुलसी जी का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगा, रूट्स इसके अच्छी तरीके से सेटल हो जाएंगी।
तो मैं अपने तुलसी जी के पौधे को शेड में रख देता हूँ, जब ये पौधा थोड़ा सेटल हो जाए फिर आगे मैं आप लोगों को इसका अपडेट दिखाता हूँ कि हम लोग के पौधे ग्रोथ कैसी हो रही है। तो ये देखिए, ये मैं आप लोगों को एक हफ्ते बाद का अपडेट दिखा रहा हूँ। हम लोग का तुलसी जी का पौधा था वो बहुत ही अच्छी तरीके से लग गया, जैसे कि आप नीचे मिट्टी देख पा रहे हो। ये देखिए आप लोग नीचे मिट्टी देखिए, मिट्टी सूखी हुई है लेकिन फिर भी हम लोग का तुलसी जी के पौधे की पत्तियाँ झुकी नहीं, अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग के तुलसी जी के पौधे की रूट्स जो है वो मिट्टी में अच्छी तरीके से सेटल हो गई हैं। तो अब हम लोग अपने तुलसी जी के पौधे को पूरी तरह, जिसको हमने शेड में रखा हुआ था, उसको हम लोग हल्की हल्की सनलाइट में रख सकते हैं। ध्यान रखना कि पूरी तरह धूप में न रखिएगा, उससे बहुत जल्दी तुलसी के पौधे की मिट्टी सूखती है, फिर बहुत ज़्यादा पानी देने से भी पौधा ख़राब होता है। दिन में सिर्फ हम लोगों को एक बार पानी देना, कोशिश करना कि शाम को जो हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है, यानी शाम के टाइम हम लोगों को अपने तुलसी जी को पानी देना। बहुत से लोग तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं सुबह टाइम पर, तो आप लोग कोशिश ये करिए कि जो थोड़ा जल आप लोग अपने तुलसी जी के पौधे को दे दें, बाकी जो जल होता है किसी दूसरे पौधे को दे दो। बहुत ज़्यादा डेली पानी देने की वजह से भी तुलसी जी की पत्तियाँ सूखती हैं। जैसे ये देखिए, कुछ पत्तियाँ थी जो तुलसी जी की सूख गई थी, यानी जो हम लोगों ने पौधे को ट्रांसप्लांट कर तब सूख गई थी, लेकिन अब आप देख रहे होंगे पौधे बिल्कुल स्टेबल हो गए, इसकी पत्तियाँ भी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। ऊपर भी देखिए यहाँ पर न्यू ग्रोथ हो रही है। और मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, तुलसी प्लांट के केयर के ऊपर हम लोग का इंग्लिश में ब्लॉग है, अगर आप तुलसी के पौधे के ऊपर और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो आप लोग उस ब्लॉग को जरूर विजिट करेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और ऊपर मेरे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक आ रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। मैं प्लांट्स के अपडेट और सारे पौधों के अपडेट वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ पर मुझे आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। तो ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को पौधे को जल देने के बारे में बताया, आप लोग उसका ध्यान रखिएगा, तो आप लोग का तुलसी का पौधा भी हमेशा हरा भरा रहेगा और अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। तो अगर आपका तुलसी जी के पौधे के ऊपर कोई भी सवाल है सुझाव, या अगर आपके तुलसी जी के पौधे पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप लोग उसके ऊपर वीडियो चाहते हो, तो नीचे मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को यूज़फुल लगी हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार जरूर शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन ब्लिंक कर रहा होगा, उसको दबा के हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में कुछ और वीडियोज़ के लिंक आ रहे होंगे जो कि पहले मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी, तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर वीडियो से, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय, टाटा।